जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी चैनल में स्वागत है। सोने से पहले आप लोगों के सामने एक विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, इंसान के जीवन में सुख और दुख आते रहते हैं। समय कभी विपरीत होता है तो कभी अनुकूल। जो भी इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जिसने भी जन्म लिया है, उसे संघर्ष करना पड़ा है, उसके जीवन में सुख भी आया है और दुख भी, ये हम सभी जानते हैं। तो ऐसा क्या किया जाए कि विपरीत समय में जब समय हमारे अनुकूल ना हो, तो ऐसा क्या करें कि हमको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो और जो हमें बुरे समय में, विपरीत समय में रास्ता मार्ग जो दिखाई नहीं दे रहा है कि अब क्या करें, तो वो मार्ग दिखाई देता है। किसी न किसी रूप में मदद मिल ही जाती है। ईश्वर कभी भी साक्षात आकर मदद नहीं करते, किसी को माध्यम बनाते हैं और मदद कर देते हैं। तो हमको ऐसा क्या करना चाहिए प्रतिदिन कि हमें किसी दूसरे की सहायता की आवश्यकता कम पड़े। देखिए, सभी जो भी जीव इस धरा पर पैदा होते हैं, उन्हें अपने कर्म भोगने ही पड़ते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है, हम सभी जानते हैं। तो जब हमारा विपरीत समय होता है, जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तो कैसा क्या किया जाए कि हमको फल अच्छा मिले, तो वो है शास्त्रों का अध्ययन। यकीन मानिएगा, आप शास्त्रों का अध्ययन शुरू कर दीजिएगा। पुराण है, रामायण है, वाल्मीकि जी की और तुलसीदास जी की अध्ययन कीजिएगा आप। हाँ, यदि आप 10 साल के हैं, 10 साल से छोटे हैं, तो गीता का अध्ययन भी कर सकते हैं। 55 साल के हैं तो भी गीता का अध्ययन कर सकते हैं। मेरी सलाह माने तो आपको जरूर विपरीत समय में श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। बाकी आपकी श्रद्धा है, इच्छा शक्ति है, शिव पुराण का भी अध्ययन आप कर सकते हैं, देवी भागवत पुराण का भी आप अध्ययन कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती का भी आप अध्ययन कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, किसी का भी कीजिएगा। अब इसके फायदे क्या हैं शास्त्र अध्ययन के? देखिए, एक तो आपकी जो दिनचर्या है उसमें सुधार होगा। एक जो है इसको ब्रह्म यज्ञ करना बोलते हैं, और इससे प्रभु की भक्ति, नवदा भक्ति जो कही गई है, जैसे प्रभु का मंत्र जाप करना, प्रभु का ध्यान करना, प्रभु का पंचामृत से स्नान करना आदि आदि, इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। कलयुग है, समय नहीं है, तो आप ज़रूर एक श्लोक, दो श्लोक, तीन श्लोक संस्कृत में, संस्कृत नहीं समझ में आती तो हिंदी में अध्ययन जरूर कीजिएगा। ऐसे ही रामचरितमानस की भी आप चौपाइयाँ पढ़ सकते हैं, एक पेज, एक श्लोक, दो श्लोक, तीन श्लोक, जो भी आपको अच्छा लगे, जितना आपके पास समय हो, जरूर आप आदत डालिएगा। आपके परिवार में जो आजकल का समय चल रहा है, आपने देखा होगा लोग संघर्ष से हार जाते हैं और आत्महत्याएं जैसे प्रयास करने लगते हैं और कर भी लेते हैं, तो कैसे इन चीज़ों से बचा जाए? यदि आप शास्त्र अध्ययन करते हैं, आपके परिवार में कोई भी या जो बुरे समय में फंसा हुआ है अगर वो करता है, तो ऐसी चीज़ें उसकी पीढ़ियों में कभी नहीं होती। अकाल मृत्यु होना, दुर्घटनाग्रस्त जीवन चलना, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती। दूसरा, तांत्रिक क्रियाएँ, टोना टोटका भी
उसके घर में कभी भी नहीं हो सकता, नेगेटिव एनर्जी रह ही नहीं सकती जहाँ शास्त्रों का अध्ययन होता है। कुछ क्षण के लिए भगवान अवश्य उसके घर पर आते हैं जहाँ शास्त्रों का अध्ययन होता है। कहा जाता है जहाँ गीता और रामायण जैसे ग्रंथ रखे होते हैं वह नरक अगर हो तो भी स्वर्ग हो जाता है, स्वर्ग बन जाता है। तो ज़रूर आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिएगा और मैं आपका महत्व बतलाता हूँ इनको पढ़ने का। एक जो आपको मान लीजिए संतान सुख नहीं मिल रहा है, संतान से सुख नहीं मिल रहा है, तो भी आपको शास्त्रों का अध्ययन जरूर करना चाहिए। आप मान लीजिए शरीर आपका जो है मानसिक और शारीरिक रूप से पीड़ित कमज़ोर होता जा रहा है तो भी आपको शास्त्रों का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी जो आत्मबल है, आत्मशक्ति है, उसका विकास होगा। लक्ष्मी किसी न किसी रूप में आपके घर में अवश्य रहेगी, जाएगी नहीं, भले ही कम हो या बराबर हो, जरूर आपके घर में अवश्य लक्ष्मी का निवास रहेगा। यदि शास्त्रों का अध्ययन आप नहीं करेंगे तो आपके घर में गंदगी रहेगी। शास्त्रों का अध्ययन करने से वास्तु दोष का भी निवारण अपने आप हो जाता है, करवाने की जरूरत इतनी नहीं पड़ती यदि आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। शास्त्रों का आप दर्शन मात्र भी करते हैं तो भी आपको काफ़ी गुना फल मिलता है। शास्त्रों से जब आप शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो आपकी दिनचर्या में सुधार होगा, सूर्योदय से पूर्व उठने की आपकी आदत होगी और आपको आपके अंदर जो कमी है, ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आप पीछे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो भी आपको पता चलेगा। और दिन प्रतिदिन जैसे गीता में कहा गया है कि गीता जो अध्ययन करता है उसका जो मन है वो दिन प्रतिदिन पवित्र होता रहता है। तो ये प्रभु की भक्ति से आपको जोड़ के रखेगा, कभी हताश आपको होने नहीं देगा और आपका जो बुरा समय है, विपरीत समय है, अति शीघ्र मिट जाएगा, कट जाएगा और आपकी जो छवि है आपके समाज में, आपके देश में, वो अमिट रहेगी, बनी रहेगी। आने वाली पीढ़ियाँ भी आपकी सुरक्षित रहेंगी, हर तरीके से सुख संपन्न आपका परिवार होगा। ये है शास्त्र अध्ययन का काम, घर में कोई भी कर सकता है, मुखिया करे तो बहुत अच्छा है। शास्त्रों का दान भी आप कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा है शास्त्रों का अध्ययन जरूर आप शुरू कीजिएगा और इसका आप फायदा उठाइएगा। शास्त्रों को जब आप पढ़ेंगे तो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उससे आपको पता चलेगा कि इस समय में जो अभी चल रहा है और जो समय बीत चुका है, हमारे ऋषि मुनियों का जो समय था वो क्या करते थे, ऐसी अद्भुत कथाएं, नियम आपको पता चलेंगे कि आपको हर्ष भी होगा और आप उनको पालन करना भी चाहेंगे। हर तरीके से सुख आपको ज़रूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो ज़रूर आप अध्ययन कीजिएगा शास्त्रों का, कभी भी अध्ययन कर सकते हैं शास्त्रों का, बस नियम एक है, शुद्धि होना जरूरी है, स्नान करना आवश्यक है और बाकी आप शास्त्र अध्ययन करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे नियम जो हम गलती करते रहते हैं, हमको पता नहीं है, वो आपको पता चलेगा। और हो सकता है यदि आप मन से ज़्यादा रम जाएंगे तो आपके जो चक्र हैं वो भी खुलने की ओर अग्रसर होंगे। तो ज़रूर विनती यही है आपसे कि ज़रूर आप शास्त्रों का अध्ययन शुरू करें और भगवान आपको सफलता दे आपके कार्य में, बुरा समय आपका बहुत जल्दी ख़त्म हो। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। सोने से पूर्व आपको कुछ बताया, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।